खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और जो अल्लाह के बंदों से प्यार करते हैं वो दुखी इंसानियत की खिदमत खुद पर लाजिम तसव्वुर करते हैं। यकीन की मंजिल को अगर देखना हो तो पाकिस्तान के सबसे बड़े कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को देखें। जज्बा देखना हो तो डॉक्टर शहरियार और उनकी टीम को देखें। जुनून देखना हो तो उधर काम करने वाले अमले को देखें। पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 3 लाख से ज़ायद अफराद कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज में मुब्तिला हो जाते हैं और इलाज के लिए शौकत खानम के अलावा कोई ऐसा हॉस्पिटल मौजूद नहीं था कि जहां मरीजों को जदीद और मुफ्त इलाज की सहूलियात मुहैया की जा सकें। इसी मकसद के पेशे नज़र प्रोफेसर डॉक्टर शहरियार और उनकी टीम ने कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की बुनियाद 2015 में रखी। कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की बुनियाद 2015 में रखी गई। पाकिस्तान में कैंसर के इलाज की सहूलियात नाकाफ़ी हैं और मरीजों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हर साल तकरीबन 3,50,000 के करीब अशखास इस मर्ज़ का शिकार होते हैं और 80% मरीजों को इलाज की सहूलत मुयसर नहीं है। यहाँ बहुत से कैंसर अस्पतालों की ज़रूरत है। कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को बनाने का मकसद एडवांस कैंसर जैसे हर स्टेज के मरीजों का बिल्कुल मुफ्त इलाज था। मैंने कैंसर के इलाज के लिए 35 साल का लंबा सफ़र किया है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर ऑफ ऑन्कोलॉजी रिटायर हुआ हूँ और मैंने अपनी ज़िंदगी के इन 35 सालों में देखा है कि हमारे कैंसर के जो मरीज़ हैं उनमें अक्सरियत इलाज अफोर्ड नहीं कर पाती। फिर इलाज के अखराजात भी ज़्यादा हैं, इलाज की सहूलियात भी नाकाफ़ी हैं और इन मरीजों का दुख, दर्द और तकलीफ़ नाकाबिले बयान है। ये मुहर्रक है हमारे लिए कि हमने कैंसर केयर अस्पताल की दाग बेल रखी, कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की बुनियाद डाली। तो अल्लाह के हुक्म से जो कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जिस मिशन के साथ बना था आज उसी मिशन के साथ काम कर रहा है। और वो मिशन में दो बातें हमें, यहाँ कैंसर के तमाम मुस्तक मरीजों का इलाज फ्री होगा और किसी मरीज को इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। अल्लाह की रहमत से आज हम इस कैंसर केयर अस्पताल और रिसर्च सेंटर में किसी मरीज को इलाज से इनकार नहीं कर रहे और तमाम मुस्तक मरीजों का इलाज फ्री कर रहे हैं। इस हॉस्पिटल के तामीरी मंसूबे में 400 बिस्तरों पर मुश्तमिल 8 ब्लॉक्स में सबसे पहले तामीर होने वाला ब्लॉक रेडिएशन सेंटर है। 4 साल के कलील अरसे में यहाँ कैंसर के इलाज के लिए पहली रेडिएशन मशीन नस्ब कर दी गई। उसके बाद गुज़िश्ता 2 सालों में हमने 4 और रेडिएशन मशीनें खरीदी और हमने अपना रेडिएशन ट्रीटमेंट का ब्लॉक मुकम्मल कर लिया। कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी दरामद की गई और यकम जून 2019 रमजानुल मुबारक की 27 तारीख को पहले मरीज का इलाज शुरू किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छी तरह याद है कि 27 रमजान 2019 को हमने कैंसर के पहले मरीज का इलाज अपनी जदीद रेडिएशन मशीन पर शुरू कर दिया। कैंसर के 80% मरीजों को कैंसर के इलाज में रेडिएशन ट्रीटमेंट की लाजमी ज़रूरत पड़ती है और आज इस बात के कहने में कोई दो राय नहीं कि ये कैंसर के इलाज में पाकिस्तान का सबसे मयारी और जदीद रेडिएशन ट्रीटमेंट सेंटर है। फजले ताला आज ये जो हमारा रेडिएशन ट्रीटमेंट सेंटर है ये पाकिस्तान के जदीद तरीन रेडिएशन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ में शुमार होता है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये पाकिस्तान का सबसे आला मयारी कैंसर के इलाज का रेडिएशन ट्रीटमेंट सेंटर है जो कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में काम कर रहा है। इसमें प्रोफेसर इरशाद जमान की निगरानी में बहुत ही डेडिकेटेड लोगों की एक टीम है जो बड़े कंपैशन के साथ मरीजों के साथ हमदर्दी रखते हुए कैंसर के मरीजों का इलाज करती है।
मैं कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में बोर्ड मेंबर हूँ और इसके साथ साथ डायरेक्टर मेडिकल रेडिएशन हूँ। कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के रेडिएशन ब्लॉक में 7 बंकर्स हैं और इन 7 बंकर्स में जदीद तरीन मशीनरी कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए नस्ब की गई है। सबसे पहले जब इलाज के लिए मरीज कैंसर रेडिएशन ब्लॉक में आता है तो हम उसको सिमुलेशन रूम के अंदर लेके जाते हैं। सिमुलेटर्स 2 तरह के होते हैं, डिजिटल सिमुलेटर्स और सीटी सिमुलेटर्स। इस वक्त हमारे रेडिएशन ब्लॉक में 2 डिजिटल सिमुलेटर काम कर रहे हैं और हमारा सीटी सिमुलेटर इंशाल्लाह सितंबर में फंक्शनल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास 3 सिमुलेटर्स होंगे। सिमुलेशन का मकसद ये होता है कि जब पेशेंट हमारे पास सबसे पहले आता है तो हम उस एरिया का तयन करते हैं जिसको हमने शुआएं या रेडिएशंस देनी होती हैं। चूँकि ये तापकार शुआएं होती हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि जिस एरिया में कैंसर है उस एरिया को हम तापकारी शुआओं से इलाज करें और उसके इर्द गिर्द जो हेल्दी नॉर्मल टिश्यू है उसको बचाया जाए। ये सब कुछ हम सिमुलेशन पे करते हैं। मरीज को लेटाने के बाद हम सिमुलेशन पे सिमुलेट करके उस एरिया की मार्किंग कर लेते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किस एरिया को रेडिएशंस देनी है और अगर उसके बीच में कोई ऐसा हेल्दी नॉर्मल एरिया आ रहा है तो उसको हमने बचाना कैसे है। तो ये सिमुलेशन करने के बाद हम इस पेशेंट का जो सिमुलेशन का पैरामीटर्स हैं उनको शिफ्ट करते हैं अपने नेक्स्ट रूम के अंदर या नेक्स्ट मशीन के ऊपर, विच इज़ कॉल्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम। अब ये जो ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम्स हैं ये हमारे ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम्स के अंदर लगे हुए हैं और ये कंप्यूटराइज्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम्स हैं। इनके अंदर स्पेशल टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी मदद से हम ये डिसाइड करते हैं कि हमने जो ट्यूमर या टारगेट को हमने कितनी शुआएं देनी है, कितने पीरियड के लिए देनी है और किस मशीन पर देनी है और उसके इर्द गिर्द जो हेल्दी नॉर्मल टिश्यू है उसको हमने कैसे सेव करना है। प्लानिंग करने के बाद हम इस डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं ट्रीटमेंट मशीन के ऊपर। अब यहाँ मैं बताऊँ कि ये ट्रीटमेंट मशीन्स हैं या वो मशीनें जिनके मदद से हम मरीजों का इलाज कर रहे हैं कैंसर के मरीजों का, इन मशीनों से तापकारी शुआएं निकलती हैं। ये तापकारी शुआएं जो हैं ये मरीजों के लिए तो यूज़फुल हैं, बेनिफिशियल हैं क्योंकि ये कैंसर के सेल को ख़त्म करती हैं, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द हेल्दी नॉर्मल टिश्यू है हमें उसको भी बचाना है और जो लोग इन मशीनों पे काम कर रहे हैं उनको भी इन तापकारी शुआओं से बचाना है। तो ये मशीनें आम कमरों में नहीं लगाई जाती, इन मशीनों को एक ख़ास तरह के कमरों में लगाया जाता है जिनको कि हम बंकर्स कहते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त एक बंकर सबसे कम कीमत का जो है वो 3.5 करोड़ का है और जो सबसे ज़्यादा कीमत का बंकर है इस वक्त वो 5.5 करोड़ का है। अब इनकी ये जो कीमत है 3.5 करोड़ से 5.5, ये डिपेंड करती है इन बंकर्स की वॉल थिकनेस पे और बंकर्स की वॉल थिकनेस डिपेंड करती है रेडिएशन की एनर्जीज के ऊपर। हमने जो मशीन रेडिएशन की लगाई होती है उसकी एनर्जी का हमें पता होता है, उसके हिसाब से हम बंकर्स की वॉल थिकनेस कैलकुलेट करते हैं। जो पहली मशीन है कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी मशीन, इसके अंदर से जो तापकारी शुआएं निकलती हैं उनको उस कमरे में रोकने के लिए जो हमारे पास थिकनेस ऑफ वॉल होती है वो 4.5 फुट होती है। अब ये जो वॉल की थिकनेस है 4.5 फुट, इसके अंदर ख़ास तरह का एक सरिया पड़ता है, 60 ग्रेड का स्टील पड़ता है, इसके अंदर ख़ास डेंसिटी की आपकी कंक्रीट डाली जाती है, एक ख़ास तरह की रेत एक ख़ास इलाके से ला के डाली जाती है और इनकी तामीर के अंदर हमें बहुत सारे SOPs को फॉलो करना पड़ता है, हमें टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं ताकि जब ये बंकर कंप्लीट हो तो इसमें से किसी तरह की भी तापकारी शुआओं की लीकेज बाहर की तरफ ना हो। और इन बंकर को तामीर करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारे हैं जो कि हमें NOCs देते हैं और NOCs लेने के बाद हम इनकी तामीर करते हैं, तामीर के बाद वही अदारे आके उसको वेरीफाई करते हैं कि कोई रेडिएशन की शुआओं की लीकेज यहाँ से नहीं हो रही है। पहली मशीन जो है वो कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी मशीन है। कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी मशीन के अंदर बहुत बड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग तापकारी मादा पड़ा हुआ है जिससे कि मुसलसल तापकारी शुआएँ निकल रही हैं। जब हम मरीज को इस मशीन से नीचे लटाते हैं तो मशीन का शटर खोलते हैं, मरीज को तापकारी शुआओं से हम इलाज कर देते हैं। जब हम शटर बंद करते हैं तो सोर्स वापस अपने कंटेनर में चला जाता है और शुआएं निकलना बंद हो जाती हैं। तो ये हमारी मशीन जो है ये इस वक्त रेडिएशन ब्लॉक में 2 कोबाल्ट 60 टेलीथेरेपी मशीन्स हैं। उसके बाद हमारे यहाँ जो तीसरी मशीन है वो हमारे पास लीनियर एक्सलेटर है। हमारे पास 2 लीनियर एक्सलेटर्स हैं। एक लीनियर एक्सलेटर जो है उसकी एनर्जी 6 MV है और जिस कमरे में ये लीनियर एक्सलेटर लगाया गया है इसकी बंकर की वॉल की थिकनेस 6.5 फुट है।
उसकी वजह ये है कि 6.5 फुट के अंदर जब थिकनेस ऑफ वॉल्स की वजह से ये शुआएँ जो हैं ये पेनिट्रेट करके बाहर नहीं आती हैं, लेकिन ये एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि अगर किसी मरीज का ज़्यादा डेप्थ के ऊपर ट्यूमर पड़ा हुआ है तो हम फिर उसके लिए ये वाला लीनियर एक्सलेटर का इंतखाब करते हैं। उसके बाद हमारी जो अगली मशीन है वो है ड्यूल एनर्जी लीनियर एक्सलेटर। ड्यूल एनर्जी लीनियर एक्सलेटर के अंदर जो हम शुआएं यूज़ कर रहे हैं वो एक्सरेज हैं। जब हम एक्सरेज को जनरेट करते हैं इन मशीनों के अंदर तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। इस हीट को कंट्रोल करने के लिए इन मशीनों के साथ बहुत बड़े बड़े चिलर्स लगाए जाते हैं, इसलिए इन मशीनों की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। हमारा जो 6 MV लीनियर एक्सलेटर है इसकी कीमत 12 करोड़ है। हमारा जो अभी ड्यूल एनर्जी लीनियर एक्सलेटर लगा है उसकी कीमत 35 करोड़ रुपए है। ड्यूल एनर्जी लीनियर एक्सलेटर के अंदर हमारे पास 2 तरह के एक्सरेज हैं और हमारे पास 6 तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं। ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स हैं। इनके अंदर हमारे पास बहुत सारी लेटेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं। हम बहुत अच्छे तरीके से ट्यूमर को टारगेट को इन रेडिएशन से इलाज करते हैं, ट्रीट करते हैं और पेशेंट को हमेशा के लिए कैंसर से फ्री भी कर देते हैं। My name is Farhad. We are coming from Afghanistan. He is my uncle. He has illness in his throat. We come here and find this hospital. The doctor said you have to do the radiation. We start the radiation 14 or 15 days ago. Now his situation is good. ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਾਰਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਸ਼ਵਾਵਾਂ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਅਲਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਮ ਜੜਾ ਮਾਰਾ ਸੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਮੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਡਾਲ ਰਹਾ ਥਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ हालत ये थी पैसा भी नहीं था बच्चा और बेगम दोनों लेकर आए घर से निकल पर अंधे होकर रात को बड़ा रोता था मुझे पता चल गया रक्षे वाले ने बता दिया हम आ गए उसी रक्षे वाले के साथ बहुत मुतमिन है बहुत सुकून है मेरी 4 मरतबा शुआएँ रहती हैं इंशाल्लाह उम्मीद है इन 4 दिन की शुआओं में ही मेरा काम इंशाल्लाह मेरी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो फिर जब चेकअप करवाया तो पता चला कि ये कैंसर है तो अब ये लगी हैं शुआएँ अब OPD में आज चेकअप करवाना है पहले से काफ़ी बेहतर है जैसे मेरे वाले साहब को यहाँ पर गिल्टी थी काफ़ी ज़्यादा थी जिससे उनको बोलना और खाना बड़ा मुश्किल था यहाँ पर जब मैं आया जब मुझे पता लगा कैंसर के हॉस्पिटल में रेडिएशन होती है आज 8वीं रेडिएशन है 90% जो है गिल्टी वो ख़त्म हो गई है अब गुफ्तगु भी थोड़ी बेहतर होती जा रही है और खाना पीना भी बेहतर होता जा रहा है हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल उधर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे थे ना तो उधर से हमें इधर भेजा गया हाँ जी वो लगा रहे हैं अच्छा कर रहे हैं अच्छा साथ दिया उन्होंने हमारा 300 मरीज रोज़ाना कैंसर केयर अस्पताल में इलाज करवाते हैं जिनमें से 150 मरीज जो हैं मशीनों पर इलाज करवाते हैं 150 मरीज OPD में इलाज कराते हैं इन जदीद रेडिएशन मशीनों पर मुल्क के दूसरे अस्पतालों में 6 लाख से 9 लाख रुपए तलब किए जाते हैं और हमारे यहाँ मरीज से कोई फीस नहीं ली जाती कोई कैश काउंटर नहीं है कोई रसीद का मसला नहीं है एक बात हम पूछते हैं कि अगर आप मुस्तक हैं ज़कात से इलाज करवाना चाहते हैं सादा से ज़कात फॉर्म पे दस्तखत कर दें आपका इलाज मुकम्मल फ्री होगा अगर आप साहिब नसाब हैं फिर भी कोई पर्ची नहीं है कोई फीस नहीं है कोई कैश काउंटर नहीं है हमारे अपने अखराजात लाखों में हो हम मरीज से कहते हैं कि जनाब जो आपका दिल करता है अपनी खुशी से डोनेशन दे दें हम आपका इलाज कर देंगे वही इलाज जो लाखों रुपए में होता है हमारे मरीज 5, 7, 10, 20, 50 हज़ार रुपये दे के अपनी इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए बड़ी खुशी से इलाज करवा लेते हैं कैंसर केयर हॉस्पिटल में हर रोज कैंसर के मरीजों का 2 से 7 हफ्ते तक रोजाना इंतहाई महंगा इलाज बिला मुआवजा होता है कोई पैसा नहीं मांगा किसी ने ये मेरे बच्चे ने उधर जाकर फार्म बनवाए हैं
इसने मुझे कहा अबू वो उन्होंने दाखिला फार्म बना लिया है, पैसे में कितने दे दूँ। अपनी मर्जी से इसको मैंने कहा जाओ 10,000 रुपये एडमिट का। हमसे पैसे नहीं लिए इन्होंने, इन्होंने हमारी हेल्प की थी। हमने बोला था इनको हमारे पास गुंजाइश नहीं है, तो इन्होंने हमारे साथ अच्छा तामन किया है। एक माह हो गया हम इधर आते, उन्होंने रिपोर्टें लिख के दी थी, रिपोर्टें भी इधर से फ्री हुई हैं। Charity hospital, there is a good hospital. He didn't ask us any money, but we ourselves paid some money as zakat and as charity. Motmenna koi paisa pusa ye wagaira nahi le rahe, inhone koi paise wagaira nahi liye. Fir of cost hai jisa hamari marzi, humne donate karna hai jitne marzi paise wo aap kar sakte hain, isme koi rok tok nahi hai, koi bandish nahi hai. कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में कायम किया जाने वाला दूसरा बड़ा ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेटिव केयर, जहां सालाना 5,000 एडवांस कैंसर के मरीजों का इलाज किया जा सकेगा, जिन्हें आमतौर पर लाइलाज तस्वीर किया जाता है। कैंसर केयर अस्पताल की एक बहुत बड़ी कामयाबी इन्हीं 5 सालों के दौरान हमने पाकिस्तान का पहला एडवांस्ड कैंसर के इलाज के लिए एक बड़ा अस्पताल कैंसर केयर अस्पताल के अंदर कायम कर लिया है। इस शोबे का नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ पेलिटिव केयर। इसको चलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से ट्रेन प्रोफेसर रियाजुर रहमान साहब तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान, और उनके साथ WHO की जो पेलिटिव केयर की एक्सपर्ट है प्रोफेसर पैमेला सटन, वो तशरीफ लाई हैं पाकिस्तान। और अनकरीब हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ पेलिएटिव केयर में मरीजों का दाखिला शुरू कर दें। इस वक्त 1.5 लाख स्क्वायर फीट के ऊपर ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग तैयार है, जिसमें मरीजों के लिए कमरे हैं, इंतहाई खूबसूरत दिलकश हवादार रोशन कमरे हैं। अनकरीब हम इसमें पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की इजाज़त के बाद इसमें मरीजों का दाखिला शुरू कर देंगे। मैं पैलेटिव केयर फिजिशियन हूँ, ऑस्ट्रेलिया का ट्रेंड हूँ, दुनिया के 4 मुल्कों में मैंने काम किया है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट में सर्व करता रहा हूँ, और 4 साल पहले मैं जिना हॉस्पिटल अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से रिटायर हुआ हूँ। और मैंने अपनी ज़िंदगी पैलेटिव केयर के लिए पाकिस्तान में शोबे को कायम करने के लिए वक्फ कर दी है। पाकिस्तान में 80% कैंसर के ऐसे केसेस सामने आते हैं जिनका मर्स स्टेज 3 से बढ़ चुका होता है, और आम तौर पर ऐसे मरीजों को लाइलाज तसव्वुर किया जाता है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में ऐसा कोई हॉस्पिटल मौजूद नहीं जो तीसरी या चौथी स्टेज वाले कैंसर के मरीजों का इलाज करे। कैंसर एक ऐसी मौजी मर्ज है जिसकी तशखीस बर वक्त हो जाए तो काबिल इलाज है और शिफा भी हो जाती है। बदकिस्मती से ज़्यादातर मरीज़ों की तशखीस ही बहुत लेट होती है। अगर आप मुझसे पूछें ज़्यादा तादाद इन मरीज़ों की है, पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 20% मरीज़ ऐसे हैं जो अर्ली स्टेज में डायग्नोज होते हैं, यानी उनकी तशखीस जल्दी होती है और वो काबिल इलाज है और उन्हें शिफा हो जाती है। 80% मरीज़ वो हैं जिनको तशखीस ही जिनकी बहुत लेट होती है और उनको उन्हें शिफा नहीं होती, तो ऐसे मरीज़ों को हम दाखिल करते हैं और उनके लिए हमने अस्पताल बनाया है इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर। ऑल्दो के जी उनकी बीमारी जो है वो नाकाबले इलाज स्टेज में है, लेकिन हम फिर भी उनका इलाज करते हैं, और इलाज करते हैं उनकी सिम्टम्स का जो उन्हें तकलीफ़ें हैं। ऐसे मरीज़ बड़ी तकलीफ़ में होते हैं, दर्द में करारे होते हैं, खून बहरा होता है, ज़ख़म फोड़ा बन गया होता है, कीड़े पड़ जाते हैं, और बदकिस्मती से दर बदर की ठोकरें खाते हैं। हम इन मरीज़ों को यहाँ दाखिल करेंगे 5 से 7 दिन के लिए। डॉक्टर्स की टीम में हम उनके दर्द, उनके खून और जो भी उनकी तकलीफ़ें हैं, फिज़िकल सिम्टम्स हैं, उनकी सदबाब के लिए जो भी तरीक़ाकार है वो करेंगे। और जो बाकी टीम है जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट हैं और सोशल वेलफेयर साइको सोशल एस्पेक्ट्स है, वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेटिव केयर के इस ब्लॉक को इस तरह बनाया गया है जहां मरीजों को इलाज के साथ साथ घर जैसा माहौल मुहैया किया जाएगा। मरीज और उनके लवाहिकीन कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब हम घर भी जा सकते हैं, तो हम उन्हें अपने घर में बहाल करते हैं, और जब हम उन्हें घर भेजते हैं तो हम उन्हें अबैंडन नहीं करते हैं।
जिस इलाके का मरीज़ है उस इलाके में कोई ना कोई हमारा वॉलंटियर होगा जो हमें खबरें देगा, जो हमें जाके घर पे देखेगा और हमें बताएगा कि डॉक्टर साहब आपका मरीज़ ठीक है, या दूसरी सूरत में कि डॉक्टर साहब मेरे ख्याल में मरीज़ को दोबारा हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है। और ये पहला हॉस्पिटल होगा जिसमें ये सहूलत होगी कि होम बेड टू हॉस्पिटल, घर के बिस्तर से हस्पताल के बिस्तर में। और ऐसे मरीज़ों को क्योंकि उन्हें पता लग चुका होता है कि उनकी बीमारी बहुत आगे निकल गई है और शिफा मुमकिन नहीं है, और जब उन्हें पता लगता है कि हम अस्पताल जा रहे हैं तो वो डर जाते हैं कि शायद पता नहीं मैं वापस आऊं या ना आऊं। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट इस हॉस्पिटल में ये है कि जी उनको ऐसे लगे कि जैसे हम अस्पताल नहीं अपने घर जा रहे हैं, अपने लोगों में जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये बिल्डिंग को भी, ये पर्पस बिल्ड बिल्डिंग है, इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि उन्हें यही फील हो कि हम अस्पताल में नहीं आए। आप देख सकते हैं कि ये कॉरिडोर है, इसमें जो दीवारें हैं हमारे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने इसे अडॉप्ट किया हुआ है और उन्होंने बहुत सारी हमें पेंटिंग्स भी दी हैं। तो ये ऐसे लगेगा जब आप इस कॉरिडोर से चल के जाएंगे कि जी ये एक आर्ट गैलरी है, ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। और अगर आप कमरों में जाके देखें तो तमाम वो सहूलियात होंगी जो एक किसी बड़े अच्छे 4-star 5-star होटल में होती हैं। तो वो ऐसे ही उनको लगेगा कि जी हम किसी होटल में आए हैं, हम किसी अस्पताल में नहीं हैं। तो इससे जो है मरीज़ को उनकी जो तकलीफ़ है उसमें काफ़ी हद तक कमी होती है दवाइयों के साथ साथ। इसको भी हम साइकोथेरेपी कहते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेटिव केयर में मरीजों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के जरिए भी इलाज में मदद हासिल करने के लिए खसूसी काम किया गया है। जी एडवांस कैंसर के मरीजों में जो सिम्टम्स में सबसे ज़्यादा तकलीफ दे सिम्टम है और जिसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज तड़प उठता है, वो है दर्द की शिद्दत। दर्द जो है ना उसकी सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है, एक जहनी पेन भी है। साइकोलॉजिकल ऐसी प्रॉब्लम होती है उनके जहन में होता है कि शायद मुझे जो बीमारी है ये अल्लाह की तरफ से दी गई है, शायद इस दर्द की शिद्दत की वजह से, और अगर मैं तकलीफ़ बर्दाश्त कर लूँ तो मेरी बख्शिश हो जाएगी। तो वो चाहता नहीं है कि उसकी दर्द ठीक हो, तो हम उनकी डोज़ बढ़ाते जाते हैं, हमारी दवाइयाँ नाकाम हो जाती हैं। तो ऐसे मरीज़ों के लिए राइजुल वक्त सारी दुनिया में पैलिएटिव केयर में एक हम थेरेपी कहते हैं, जिसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, अपने ही साइकोसोशल स्पिरिचुअल रिलीजियस कल्चर के मुताबिक जो है डिज़ाइन की जाती है। बेसिकली आइडिया ही यही है कि वो थॉट प्रोसेस को जो है ना ब्लॉक करना कि मैं दर्द में हूँ और तकलीफ़ में हूँ और पता नहीं किसी दम भी इस दुनिया से रुखसत हो जाऊँ। तो ये हमने एक डिज़ाइन किया है इंस्टीट्यूट ऑफ पैलिएटिव केयर कैंसर केयर हॉस्पिटल में। ये एक स्टेज है और ये पीछे बिल्डिंग है, ये सारे कमरे हैं और इस तरफ वार्ड्स हैं। एक वार्ड में 4 मरीज़ है और हर वार्ड और हर कमरे के साथ इंडिपेंडेंट बैल्कनी है, 26 फुट बाय 6 फुट की बैल्कनी है। मरीज़ जो है और उनके लवाहिकीन अपने अपने बालकनियों में बैठे होंगे और यहाँ पे कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा हो। परफॉर्मेंस सिर्फ ये नहीं है कि जी हम कोई नाच गाना करें, बहुत सारी परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जैसे कि जी हम कुछ स्पिरिचुअल थेरेपी करते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे म्यूज़िक भी हो सकता है। तो मकसद ये है कि मरीज़ों को हफ्ते में एक दिन शाम के वक्त 1 घंटा यहाँ पे इतना महसूस करना कि उनके उस थॉट प्रोसेस को ब्लॉक करना। दिस इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी सेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेटिव केयर में बच्चों के लिए भी एक मुकम्मल वार्ड पेडियाट्रिक पैलेटिव केयर यूनिट तामीर किया गया है, जहां दुनिया के बड़े हॉस्पिटल्स जैसी सहूलियत के साथ साथ घर जैसा माहौल मुहैया करने पर खसूसी तवज्जो दी गई है। पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर यूनिट में ये 4 बिस्तरों पे मुश्तमल पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर वार्ड है। ये 4 बच्चों के लिए ये वार्ड बनाया गया है। जब एक बच्चा दाखिल होता है तो यूजुअली आमतौर पे वालदैन दोनों ही साथ रहते हैं। इसके साथ अटैच टॉयलेट्स हैं और एक सर्विस एरिया है जहाँ पे हमने इन्हें फैसिलिटी दी है कि अक्सर बच्चों की ख्वाहिश होती है कि मैंने फ़लानी चीज़ खानी है, माँ को कहते हैं कि अम्मी जी आप वो फ़लानी चीज़ घर से बना के ले आएँ, तो वो घर से बना के बनाया हुआ खाना जो घर का खाना है वो खाते हैं, और इधर फ्रिज और माइक्रोवेव ओवन हमने उनको दिया हुआ। पीडियाट्रिक पैलिएटिव केयर यूनिट में ये बच्चों के लिए प्ले एरिया है, ये उन बच्चों के लिए जो खिलौनों से खेलना चाहते हैं और यहाँ पे झूले लगे होंगे और उनके लिए लूडो रखा हुआ होगा, कार्ड्स होंगे, मुख्तलिफ खिलौने होंगे। मकसद ये है कि वो जहनी तौर पे इतने अपने खेल में अब्सॉर्ब हो जाएं ताकि थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ़ और दर्द को भूल जाएं।
خواتین میں بریسٹ کینسر کی شرح میں اضافے کے پیش نظر کینسر کیئر ہاسپٹل کے توسط سے میموگرافی ٹیسٹ کی نہ صرف مفت سہولت مہیا کی گئی ہے بلکہ ملک بھر میں موبائل گاڑیوں کے ذریعے خواتین کو ان کی دہلیز تک یہ سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ بریسٹ کینسر سے موت نہیں ہونی چاہیے بشرطے کہ اس کی سٹیج ون یا سٹیج زیرو پر تشخیص کر لی جائے۔ اس کا ایک واحد طریقہ ہے کہ ہر وہ خاتون جو 40 سال کی عمر کو پہنچے اپنے بریسٹ کا ایکس رے کروائے، جس کو میموگرافی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کینسر کیئر اسپتال نے ان عورتوں کے لیے ایک بڑے پیمانے پر مہم چلائی۔ ہم نے 3 state-of-the-art میموگرافی مشینز خریدی، ایک لاہور کے اسپتال میں لگا دی گئی ہیں، 2 مشینیں موبائل گاڑیوں پر سارے پاکستان میں جاتی ہیں۔ ہم نے 40,000 عورتوں کی فری میموگرافی کی ہے، جس کا کسی ہسپتال سے اگر کروائیں میموگرافی تو 10,000 سے 12,000 روپے اخراجات ہیں۔ ہم نے ان خواتین کے گھروں تک پہنچ کے بغیر کوئی معاوضہ لیے ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے۔ جو خواتین ہمارا پروگرام دیکھ رہی ہیں، اپنے قریبی ہسپتال سے اپنی میموگرافی کروائیں اگر ان کی عمر 40 سال سے زائد ہے۔ جو خواتین لاہور میں ہیں، وہ فری میموگرافی کے لیے حجاز اسپتال لبرٹی لاہور میں رابطہ کریں، وہاں کینسر کیئر اسپتال کی جانب سے فری میموگرافی اٹالین سٹیٹ آف دا آرٹ ڈیجیٹل مشین نصب کی ہوئی ہے، جس پہ روزانہ فری میموگرافی ہوتی۔ کینسر کیئر ہاسپٹل کے او پی ڈی میں انتہائی تجربہ کار ڈاکٹرز کی ٹیم بلا ناغہ 150 سے زائد افراد کے مرض کی تشخیص، تعین اور علاج گزشتہ 2 سالوں سے کر رہی ہیں، جہاں ہر آنے والے مریض اور اہل خانہ سے نہایت شفقت سے پیش آیا جاتا ہے۔ ایمرجنسی وارڈ ڈونیٹڈ بائی ڈاکٹر نیلم حسین، یہ پاکستان کی پہلی کینسر ایمرجنسی ہے۔ یہ محترمہ نیلم حسین صاحبہ جو ڈائریکٹر ہیں لاہور گرامر اسکول ڈیفینس کی، انہوں نے عطیہ کی۔ یہ پاکستان میں پہلی بار تعارف کرایا جا رہا ہے کہ کسی کینسر کے مریض کو کوئی ایمرجنسی تکلیف ہو، جیسے بلیڈنگ ہونا، سانس کو کھڑنا، جسم کے کسی حصے کا مفلوج ہونا، یا جسم میں کوئی اور غیر معمولی تکلیف فوری طور پر آنا، اس کے ازالے کے لیے کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر لاہور کے اندر پاکستان کی پہلی ڈیڈیکیٹڈ کینسر ایمرجنسی نے کام شروع کر دیا ہے۔ ہم کینسر کیئر اسپتال کے ریڈیشن بلاک میں ریڈیشن بنکرز کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ پہلا بنکر ہے جو گڈو اور شانی صاحبہ نے تعمیر کروایا اپنے لاگت سے۔ انہوں نے پے کیا، ڈونیٹ کیا، 3 کروڑ روپے کی لاگت سے بنکر تیار ہوا۔ اس میں ماشاءاللہ یہ دو دوستوں نے، شہزاد اشرف اور سید حارث علی نے، میں 12 کروڑ روپے کی یہ ریڈیشن مشین عطیہ کی۔ یہ مشین کینیڈا کی بنی ہوئی ہے اور اس پہ شام تک ہم 70 سے 100 مریضوں کا فری آف چارج، بغیر کوئی پیسے لیے، مکمل فری علاج کرتے ہیں۔ کینسر کیئر ہاسپٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے مرکزی دروازے سے او پی ڈی تک مریضوں کو پیدل سفر سے بچانے کے لیے رکشہ کی سہولت بھی مہیا کی گئی ہے۔ مریضوں اور ان کے اٹینڈنٹس کو گرمی کی شدت سے محفوظ رکھنے کے لیے انتظار گاہ میں ایئر کولرز، ٹھنڈے پانی کے ڈسپینسرز اور کیفے جیسی سہولیات کے ساتھ ساتھ ایک خوبصورت اور کشادہ مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے۔ ملک کے دور دراز علاقوں سے آنے والے مریضوں اور ان کے اہل خانہ کی رہائش کے لیے سرائے تکمیل کے آخری مراحل میں ہے۔ ہم نے جب اپنے ہی شعبے کے لوگوں سے بات کی اور باہر بھی لوگوں سے بات کی، تو اکثر لوگوں نے ہمارا بڑا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے، ساری دنیا اگر امریکہ نہیں کر سکتا تو آپ کیسے کرو گے۔ تو بہرحال ہم بڑے دل برداشتہ بھی ہوئے، اور بات یہ تھی کہ انہوں نے ہمارا مذاق اس طرح بھی اڑایا کہ جی غیر معروف سے لوگ ہیں، کوئی سیلیبریٹی ہے نہیں، جانتا ان کو کوئی ہے نہیں، ریٹائرڈ ڈاکٹرز ہیں، اور کہتے ہیں کہ اتنا بڑا ہسپتال بنائیں گے جہاں فری علاج کریں گے اور کسی کو علاج سے انکار نہیں ہوگا۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا فقیر ڈکلیئر کر لیا، ہم سارے اللہ کے فقیر ہیں، ہم منڈیوں میں، بازاروں میں بھیک مانگتے ہوئے پھرے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں تو اللہ کے لیے مانگ رہے ہیں، اور ہم آپ سے بھی مانگتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیے، یہ آپ کا ہسپتال ہے، ہم نہیں کہتے یہ ہمارا ہسپتال ہے، آپ نے یہاں کسی کا نام نہیں دیکھا ہو،
कैंसर केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लोगों के एहतियात से बना है, ज़कात से मरीजों का इलाज होता है। हम इस अस्पताल की ओनरशिप नहीं लेते, हम ये कहते हैं ये आपका अस्पताल है। भाई देखें, जिसकी डोनेशन है, जिसने पैसे दिए हैं, उन पैसों से अस्पताल बनाए, अल्लाह ताला उसको अजर देगा। हम तो कस्टोडियन हैं, हमने मेडिकल ब्लॉक बनाना है, हमने सर्जिकल ब्लॉक बनाना है, हमने रिसर्च ब्लॉक बनाना है। तो सैकड़ों लोगों के नाम हैं जिन्होंने कैंसर केयर अस्पताल में हिस्सा डाला। कई लोगों ने सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, करोड़ों रुपए दिए और अपना नाम भी बताना नहीं चाहते। ये इस मुल्क की अजमत है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में, बैंक अल्फला में, और ज़कात के लिए खसूसी तौर पर दुबई इस्लामिक बैंक में ज़कात जमा कराई जा सकती है। जो बरूने मुल्क लोग हैं, अमेरिका में हम चूँकि 501c3 टैक्स एग्जेम्प्टेड हैं, वहाँ हमारा वेल्स फार्गो बैंक में अकाउंट है। उसके अलावा बरूने मुल्क लोग पेपॉल से और मुस्लिम चैरिटी पे जाकर भी हमारी इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को जो है डोनेशन दे सकते हैं। कि ये हमारा अल्लाह से वादा है, आपसे वादा है, लोगों से वादा है। यहाँ मुस्तिक अफराद का इलाज हमेशा फ्री होगा और किसी को इलाज से इनकार नहीं किया जाएगा। कैंसर केयर अस्पताल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। हम खुदा की नेमतों का बदला तो नहीं दे सकते, मगर उसके बंदों की खिदमत से अपने दिल को तस्कीन जरूर दे सकते हैं। ऐसे इदारे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानियों की पहचान है। ऐसे इदारों को सपोर्ट करने से ही सही मायनों में इंसानियत की खिदमत की जा सकती है।